हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 12th, जिसका चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, नाम था एम्प्लॉयमेंट, उसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बेटा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। एक एक क्लास को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक। तो आज के क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे कि हाउ आवर वर्कफोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे बेटा कि सेक्स वाइज हाउ वर्कफोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी टोटल वर्कफोर्स में मेल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और टोटल वर्कफोर्स में फीमेल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम लोग कुछ डेटा भी यूज करेंगे बेटा। मैं जो डेटा यूज कर रहा हूं बेटा, मैं डेटा यूज कर रहा हूं टीआर जैन से। हो सकता है आपके पास जो डेटा हो, आपके पास जो बुक हो, वो अलग हो और वो मेरे डेटा से अलग हो सकता है बेटा आपका डेटा बिल्कुल अलग हो। तो यहां पर डेटा जो है बेटा वो हमारा बुक टू बुक डिफर है और इसके साथ साथ टाइम टू टाइम वो चेंज भी होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है बेटा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अपने फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पे कि इंडिया में जो हमारी वर्कफोर्स है बेटा उसका स्टेटस क्या है और वो किस तरीके से एलोकेट हो रखी है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है बेटा। तो देखिए, जो भारत में टोटल वर्कफोर्स है बेटा दैट इज 47.3 करोड़, यानी हमारी टोटल पॉपुलेशन में से केवल 47.3 करोड़ आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। These are the total number of people who are actually working. ठीक है बेटा, तो ये हमारी total 100% workforce है, that is 47.3 crore. अब इसमें से बेटा जो हमारी total workforce है 70% है male, 70% है male, यानी के 47.3 crore में से 33.11 crore जो है वो male workforce है बेटा और जो 14.19 करोड़ है वो फीमेल वर्कफोर्स है, यानी हमारी टोटल वर्कफोर्स का 70% मेल है और 30% फीमेल है, ठीक है बेटा। तो ये सबसे पहले हमने बात की टोटल वर्कफोर्स में मेल और फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी वर्कफोर्स बाय रीजन। देखिए बेटा, जितनी हमारी टोटल वर्कफोर्स है दैट इज 47.3 करोड़, उसका 75% इन रूरल एरिया, ठीक है, यानी हमारी टोटल वर्कफोर्स का 75% जो पाया जाता है बेटा वो रूरल एरिया में पाया जाता है और 25% केवल अर्बन एरिया में पाया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, आज भी रोजगार प्रोवाइड करने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हमारा रूरल एरिया हमारे अर्बन एरिया से बहुत आगे है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा ओवरऑल, तो यहां पर जो हमारी टोटल वर्कफोर्स है 47.3 करोड़, उसमें से 30.4 करोड़ लोगों को रूरल एरिया, ठीक है, वो जॉब दे रहा है, वो काम दे रहा है, ठीक है, यानी हमारी ग्रामीण क्षेत्र जो है इतने लोगों को 75% हमारी वर्कफोर्स के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो अर्बन एरिया का कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 11.9 करोड़, ठीक है बेटा। तो यहां से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारा रूरल एरिया है वो रोजगार प्रोवाइड करने वाला मेन सोर्स है, ठीक है। आज भी हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लोग इंप्लॉयड हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं बेटा, रूरल एरिया में कर रहे हैं, ना कि अर्बन एरिया में। दूसरी चीज अब बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यहां पे इन द रूरल एरिया जहां पर हमारी टोटल वर्कफोर्स का 35.4 करोड़ इंगेज है अपना एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में, उसमें जो मेल का कंट्रीब्यूशन है बेटा वो है 26.55 करोड़, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया जो वर्कफोर्स है उसका 75% और जो फीमेल है बेटा रूरल एरिया में
दीज आल्सो कंट्रीब्यूट 25% ऑफ टोटल वर्कफोर्स, ठीक है। और ओवरऑल या एब्सोल्यूट जो वैल्यू है बेटा, दैट इज 8.85 करोड़। मतलब जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, टोटल वर्कफोर्स का 35.4 करोड़ है, उसमें से 26.5 करोड़ जो है बेटा मेल है और 8.8 करोड़ जो है वो बेटा फीमेल है। एंड फीमेल इज कंसिस्टेड ऑफ टोटल 25% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द रूरल एरिया, एंड मेल इज कंसिस्टेड ऑफ 75% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द रूरल एरिया। अब बात करते हैं बेटा अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में जो कि हमारा 25% ऑफ वर्कफोर्स है, दैट इज 11.4 करोड़, ठीक है, उससे वर्कफोर्स मिलके बना है, तो यहां पे जो 9.12 करोड़ है, ठीक है बेटा, वो हमारे मेल है जो कि हमारी वर्कफोर्स का पार्ट है, एंड दैट इज टोटल परसेंटेज इज 80%। यानी शहरों में, अर्बन एरिया में जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें 80% मेल है और 20% फीमेल है, ठीक है। और 20% का जो ओवरऑल रोल है बेटा वो है 2.28 करोड़, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ आवर वर्कफोर्स इज डिवाइडेड इन बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया एंड बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, ठीक है बेटा। तो इस पूरे डाटा को पढ़ने के बाद हमें दो चीजें समझ में आ रही है। पहला कि मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन द रूरल एरिया। दूसरा कि हमारे जो रूरल एरिया है बेटा, वहां पे जो फीमेल्स हैं उनका वर्क शेयर जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो ऐसा क्यों है, अब बात करेंगे बेटा इस टॉपिक के बारे में। तो बेटा हमने अपना जो वर्कफोर्स को लेके जितना भी डाटा था उसको स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद बेटा हमें दो चीजें समझ में आ गई। पहली चीज कि मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन द रूरल एरियाज। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इन रूरल बेस्ड, ठीक है। तो उसका रीजन है बेटा पहला कि बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज, कि हमारे देश में ज्यादातर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है बेटा वो कहां पर पाई जाती है, वो रूरल एरियाज में पाई जाती है। पीपल आर एंगेज्ड इन द रूरल एरिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड देयर इट्स अलाइड एक्टिविटीज। दैट इज व्हाई इन वर्कफोर्स रूरल एरिया हैव मोर पार्ट एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। दूसरा जो रीजन है बेटा, दूसरा रीजन है कि देखिए बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरिया, बट उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो जीडीपी में बहुत कम है। कारण क्या है, रूरल एरिया में जो लोग लगे हैं दे आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, जिनमें की उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि उनकी अर्निंग भी बहुत कम है, और अर्निंग कम होने का मतलब है कि दे आर लिविंग इन अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब वो बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था पहला पार्ट, व्हाई इज बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड, कि हमारी जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा रूरल बेस्ड क्यों है, हमारे वर्कफोर्स का ज्यादातर हिस्सा रूरल बेस्ड क्यों है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है बेटा कि हमारे देश में अभी भी जो अर्बन एरिया है वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाया है जितना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर इज लो इन अर्बन एरिया, कि आज भी इतने सालों बाद भी शहरों में जो वर्कफोर्स में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो रूरल की बजाय कम क्यों है। तो उसके बेटा पहला रीजन है, इन अर्बन एरिया स्टिल एजुकेशन इज फार अवे फ्रॉम द फीमेल्स, कि आज भी इतने सालों बाद भी जो शिक्षा है बेटा वो महिलाओं से बहुत दूर है। एंड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन, इसका डायरेक्ट मतलब होता है बेटा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। जब उनको एजुकेशन नहीं है शहरों में तो बेटा उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। ये पहला रीजन है कि भाई जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स में अर्बन एरिया में वो कम क्यों है। दूसरा जो रीजन होता है बेटा वो होता है कि स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज भी फीमेल्स का काम करना या ना करना उसकी फैमिली के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली चाहेगी तो वो काम करेंगे, और फैमिली नहीं चाहेगी तो फीमेल काम नहीं करेंगी। यानी आज भी इतने साल भी फीमेल अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती कि उसको काम करना है या नहीं करना है।
फैमिली अगर उनको मना करती है तो वो काम नहीं कर पाते, मींस हर ऑल डिसीजंस इज गवर्न्ड बाय हर फैमिली, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू वर्क एट देयर ओन डिसीजंस। ठीक है बेटा, तीसरा रीजन क्या है बेटा? तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीजन ये है बेटा कि आज भी रूरल एरिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, और बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से बेटा वहां पर जो फीमेल्स हैं वो बहुत अर्ली एज में काम करना स्टार्ट कर देती हैं, इवन दे आर वर्किंग फॉर लो वेजेस बट दे हैव टू स्टार्ट, ठीक है, एट वेरी अर्ली एज टू डू वर्क, ठीक है, दे हैव टू गो एम्प्लॉयमेंट एट अ वेरी अर्ली एज, उनको पढ़ाई नहीं करने दी जाती है बल्कि उनको काम में लगा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बेटा रूरल एरिया में जो वर्क फोर्स है उसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और अर्बन एरिया में फीमेल का कंट्रीब्यूशन कम है। तो देखिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अक्रॉस अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। अब हमें पता है कि भैया रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, या फिर टोटल वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100, यानी के टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग, ठीक है बेटा, आपका प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज है, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं बेटा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो यहां पर हम कुछ डेटा के बेस पर ये स्टडी करेंगे कि ओवरऑल हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें मेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, और इसके साथ साथ हम लोगों को स्टडी करना है बेटा कि अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन रेट क्या है और रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट क्या है। दूसरी चीज बेटा देखिए, इस बार पूरे चांसेस हैं कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए, ठीक है, जिसमें आपको कोई डेटा दे रखा होगा शेड्यूल या फिर डायग्राम की हेल्प से, और आपको उसको ऑब्जर्व करके उसका कंक्लूजन लिखना है, उसके ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो एक इसी तरीके का क्वेश्चन हम यहां पर अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, आपका चैप्टर भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए यहां पर आपको एक शेड्यूल ये गिवन है बेटा, जिसमें रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, डेटा है बेटा 2017-2018 का, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने क्या किया है, अपनी टोटल वर्कफोर्स को डिवाइड किया है अर्बन और रूरल एरिया में, और वो भी मेल और फीमेल के बेस पे, और फिर बाद में हमने देखा है ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है पूरी कंट्री का, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो जो रूरल एरिया है बेटा उसका जो पार्टिसिपेशन रेट है बेटा दैट इज 35%। इसका मतलब है रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहती है उसकी 35% पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जिसमें 51.7% मेल है बेटा, मैन है, ठीक है, यानी टोटल रूरल एरिया में जो 100% मेल पॉपुलेशन है उसका केवल 51.7% पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, जबकि फीमेल्स में 100 में से केवल 17.5% पार्टिसिपेट करती है बेटा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। अब बात करते हैं अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया का जो टोटल ओवरऑल या टोटल पार्टिसिपेशन रेट है बेटा दैट इज 33.9%। इसका मतलब है कि शहरों में 100% लोगों में से केवल 33.9% लोग जीडीपी में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलावा लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। और इसमें देखिए मेल की संख्या क्या है बेटा, मेल का जो परसेंटेज है वो है 53%, यानी टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो अर्बन एरिया में रहते हैं उसमें से 53% कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, जीडीपी बढ़ाने में वो हेल्प करते हैं, जबकि जो फीमेल्स का है दैट इज बेटा 14.2%। तो फीमेल का यहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा रूरल एरिया है उससे कम है, ये बात हम लोगों ने पहले भी स्टडी कर ली थी। अब बात करते हैं बेटा अपनी ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट की, कि हमारे देश में ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट कितना है बेटा, तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट है 34.7%, ठीक है, यानी टोटल पॉपुलेशन का केवल 34.7% पॉपुलेशन
पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, यानी जितने भी हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन है करीब 135 करोड़ उसका केवल 34.7% हमारी वर्कफोर्स है, केवल 34.7% लोग जो ही वो ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें बेटा हमारे 16 ईयर से ज्यादा वाले और 64 से कम एज वाले लोगों को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है बेटा, यहां पर जो ओवरऑल की बात करें तो 52.1% ऑफ आवर मेल पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, यानी हमारे देश में जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेल हैं उसमें से केवल 52.1% एंगेज्ड हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, जबकि फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है बेटा वो बहुत कम है, टोटल 100% फीमेल में से केवल 16.55% फीमेल्स एंगेज्ड हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, दीज आर द पार्ट ऑफ पार्टिसिपेशन और आवर वर्कफोर्स। ठीक है बेटा, तो ये तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी शेड्यूल को एक्सप्लेन करना है, इसी के बारे में हमें बताना है कि कितने परसेंट रूरल एरिया से, कितने परसेंट अर्बन एरिया से, कितने ओवरऑल पार्टिसिपेट करते हैं और अ पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है बेटा, अब इसका कंक्लूजन हमें लिखना है, इसका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको स्टडी करने के बाद हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है। तो सबसे पहली चीज समझ में आती है बेटा हाई डिपेंडेंसी रेट। अब खुद समझिए हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका एवरेज 34.7%, ठीक है, जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका केवल 34.7% वो हमारी वर्कफोर्स है। दीज आर द टोटल पर्सन, टोटल परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो काम कर रहे हैं, केवल 34.7% हमारी टोटल पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब है बाकी लोग इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी हमारे देश में जो डिपेंडेंसी रेट है बेटा वो बहुत हाई है। ठीक है, कमाने वाले हैं कम और उनके ऊपर डिपेंड है ज्यादा, तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है। दूसरा कंक्लूजन है बेटा हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरिया। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है बेटा वो है 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अर्बन का है 33.9%, यानी रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया से ज्यादा है। ठीक है, अर्बन एरिया में जितने लोग काम करते हैं उससे ज्यादा लोग रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन का ज्यादा हिस्सा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा है। बट प्रॉब्लम वाली बात क्या है, उनका पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है बट उनका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। कारण है बेटा मोस्ट ऑफ दीज पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, जो कि बेटा लो प्रोडक्टिविटी वाला सेक्टर है, और जब लो प्रोडक्टिविटी होगी बेटा तो लो कंट्रीब्यूशन होगा, लो अर्निंग होगी और लो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो तीसरा पॉइंट जो हमें ऑब्जर्व करना है बेटा वो ये ऑब्जर्व करना है कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन द रूरल एरियाज, कि रूरल एरिया में जो वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया के वुमेन से ज्यादा है। देखिए अर्बन में 100% वुमेन में से केवल 14.2% वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं, वर्कफोर्स का हिस्सा है, जबकि रूरल एरिया में 17.5% वुमेन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर वर्कफोर्स। ठीक है, उसका रीजन क्या है बेटा, पहला है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज में फीमेल्स को मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। तो ये पहला रीजन है बेटा कि उनको ग्रामीण रूरल एरिया में फीमेल्स को काम करना पड़ता है, उनका पार्टिसिपेशन रेट है ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, दे हैव टू बी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग्स। दूसरा जो पॉइंट है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटी नॉट एजुकेशन, वो लोग इन रूरल एरियाज दे नेवर कंसीडर अबाउट द फीमेल एजुकेशन। ठीक है बेटा, उनकी जो प्रायोरिटी है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि रूरल एरिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, टू अर्न देयर लिविंग्स, पॉवर्टी को कम करने के लिए बहुत कम उम्र में ही जो फीमेल्स हैं बेटा वो अपनी एजुकेशन छोड़कर
काम करने लग जाती हैं। ये भी रीजन है कि बेटा वहां पे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तीसरा जो रीजन है बेटा, जो विदाउट एजुकेशन, अब समझिए उन्होंने एजुकेशन ली नहीं है बट वो लोग काम कर रहे हैं, तो काम करेंगे विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, तो उनको काम भी कैसा मिलेगा बेटा, लो प्रोडक्टिव काम मिलेगा जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। और जब लो प्रोडक्टिव काम मिलेगा बेटा तो उनकी अर्निंग भी बहुत कम होगी, ठीक है, अर्निंग कम होगी, वेजेस रेट कम होगा, तो उनको ज्यादा पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा फॉर देयर लिविंग, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये थे रीजन कि व्हाई वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया इज मोर देन अर्बन एरिया, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।